हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में, और देखेंगे इसका ग्रे मार्केट में कितना चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। जैसा कि आपको बता होगा, कल इसका अलॉटमेंट आने वाला है, आज है 7 सितंबर और 8 सितंबर को इसका अलॉटमेंट का डेट है। तो कल इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, अपने को पता चल जाएगा कि किस किस को अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी भी तेजी जारी है, आज की भी काफी तेजी देखने को मिली है। तो अपन देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अलग अलग व्यवस्था पे क्या चल रहा है और एवरेज अपने को कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। फिर एक बार दोहरा दूंगा मैं, आज का आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 603 से 610 रुपए। तो 610 रुपए के ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ले चलता हूँ मैं सबसे पहले आपको चाणक्य की वेबसाइट पर, और चाणक्य की वेबसाइट देखेंगे आज का जो जीएमपी है 7 सितंबर का, वो है 165 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और यही जो जीएमपी है कल यहाँ पर 150 के आसपास था, 155 पे समथिंग था। तो 155 से ये 165 में 10 रुपए की आज और बढ़त इसमें देखने को मिली है। कल का जीएमपी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा 155 रुपीज यहाँ पर था मैक्सिमम, लेकिन आज यहाँ पर 65 रुपीज दे रखा है, मीन्स 10 रुपए की बढ़त आज भी देखने को मिली है। मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी लगातार बढ़त जारी है। अगली वेबसाइट देखते हैं अपन, अगली वेबसाइट अपने पास है आईपीओ आज की वेबसाइट, और इस पर अपन देखेंगे जीएमपी। तो इसमें भी देखिए 10 रुपए की बढ़त यहाँ पर दिखाई गई है। कल 6 सितंबर का जो जीएमपी था इसका 135 रुपए पर इक्विटी शेयर था, और आज का जो जीएमपी 145 रुपीज है, मीन्स 10 रुपए की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है अपने को ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 सितंबर के बाद, 2 सितंबर को था इसका 95 रुपीज, उसके बाद 105, 125, फिर 125, फिर 6 सितंबर को कल की डेट में 135 था और आज 145 हो चुका है। और अभी भी इसमें लिस्टिंग में बाकी है, लिस्टिंग जो इसकी होगी वो है 14 सितंबर को होगी, और 14 सितंबर में अभी तक 7 दिन बचे हैं, 1 सप्ताह पूरा बचा है। 1 सप्ताह में अगर ऐसी तेजी रही ग्रे मार्केट प्रीमियम में तो इसमें भी आपको लगभग 50% से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आराम से। अभी के हिसाब से इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, कल तक अपन देखा था 25% के पास आसपास प्रॉफिट मिल रहा था। आज देखते हैं कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अगली वेबसाइट जो अपनी है वो आईपीओ सेंट्रल की वेबसाइट, और इस पर आप देखेंगे जीएमपी। तो इसमें आज यहाँ पर देखेंगे आप 15 रुपए की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कल का जो जीएमपी था 130 रुपीज पर इक्विटी शेयर था इसमें, और जो आज का जो जीएमपी 145 रुपीज, मीन 15 रुपए की बढ़त इसमें अपने को देखने को मिली है। और इसमें भी आप यहाँ से देखेंगे 100 रुपए से बढ़ करके ये इनफैक्ट ये 30 रुपए देख रहा 27 अगस्त का, यहाँ से बढ़कर ग्रे मार्केट में 145 पहुंच चुका है आज की डेट में। तो सभी वेबसाइटों पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि कल तक 6 सितंबर के दिन सबका मान लो किसी का 130 था, किसी का 145 था, लेकिन वहां से कल की डेट में आज की डेट में 10 रुपए का या 15 रुपए का बढ़त देखने को मिला है। तो इसमें भी 15 रुपीज की अपने को जंप देखने को मिली है। अगली जो अपनी वेबसाइट है वो है आईपीओ बाजार की वेबसाइट, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम में, तो यहाँ कॉन्स्टेंट दिखाया गया है कल का और आज का। और आज का जीएमपी अपन देखें तो 145 रुपीज से 150 रुपीज के बीच में उन्होंने प्राइम रेंज दिया है, और वही 6 सितंबर का देखेंगे कल का, तो कल का भी इनका सेम ही था 145 से 150 रुपीज। मतलब आईपीओ बाजार की अकेली वेबसाइट है जिस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कॉन्स्टेंट है, बाकी सारी वेबसाइटों में 10 से 15 रुपए का जीएमपी अपने को देखने को मिला है। अब अपन बात करते हैं हाइस्ट जीएमपी कितना है और लोएस्ट जीएमपी कितना है। तो हाइस्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिला है 165 रुपीज, और लोएस्ट की बात करें तो इस पर 145 है, इस पर भी 145 है, और इस पर भी 145 दिख रहा है लोअर एंड में, मीन्स लोएस्ट 145 है और हाइस्ट 165 है। अब इन दोनों का अपन एवरेज निकाले तो 155 के आसपास दोनों का एवरेज आएगा, क्योंकि दोनों में जो है डिफरेंस वो है 20 रुपीज का डिफरेंस है। तो अपन 150 रुपीज एवरेज अगर जीएमपी मान के चलते हैं तो 155 से अपन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज अपने रिटर्न मिल सकता है। 155 डिवाइड बाय 610 इसका पर इक्विटी शेयर का प्राइस है, इनटू अपन परसेंटेज करेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी 25% का दिखाई रहा है। कल अपन 150 रुपीज से किया था कंपेयर, तो 24 के समथिंग का दिखा रहा था लिस्टिंग गेन। तो 25% के हिसाब से अभी भी आपको यहाँ दिखा रहा है कि इतना मिल सकता है आपको प्रॉफिट, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये जीएमपी बढ़ रहा है आपको 50% तक भी ले जा सकता है ये। और बात करते हैं अपन 155 इंटू टोटल शेयर जो अपने को 24 मिलेंगे, तो 37,200 रुपये का, सॉरी 3,720 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर जीएमपी 155 रुपीज का आपको मिलता है इसमें। तो यही था इस वीडियो में, और देखते हैं आगे का कल का अलॉटमेंट का स्टेटस कैसा रहता है और किस किस को अलॉटमेंट मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही इसका अलॉटमेंट आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।